हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बानीज म्यूजिकल कॉर्नर। आज मैं घर के एक कॉर्नर को सजाऊंगी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। घर का इस कॉर्नर खाली पड़ा हुआ है, इसको मैं अच्छे से आज सजाऊंगी। बच्चों को दो फ्रॉक है, नया फ्रॉक है, कोविड के वजह से इन लोगों ने पहना ही नहीं ज़्यादा दिन, तो ये फ्रॉक मैंने ले लिया है। ये देखिए फ्रॉक का कपड़ा कितना अच्छा है, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, सेल्फ डिज़ाइन है। इसका नीचे के हिस्सा मैंने खोल लिया है। एक एक फ्रॉक से मुझे दो पार्ट मिला है, तो दो पार्ट करके मुझे काफ़ी कपड़ा मिल गया है। अभी मैंने एक कुशन लिया है, इस कुशन को मेजरमेंट करके इसको काट कर लिया है। कपड़ा को ज़्यादा काट करने की ज़रूरत नहीं हुआ है, दोनों साइड पहले मैं स्टिच कर ले रही हूँ। ये स्टिच हो गया, दो साइड ही स्टिच करना था। फिर मैंने कपड़ा को उल्टा करके रखा और कुशन को फिर से यहाँ रख दिया है और एक पार्ट ऐसे करके उल्टा लिया है और फिर ये पार्ट भी ऐसा कर लिया है। मतलब एक पार्ट थोड़ा छोटा होना चाहिए और एक पार्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए। अभी दोनों साइड में मैं स्टिच कर लूँगी। इसे करके कुशन कवर करना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इजी लगता है। इसमें कोई बटन का सिस्टम नहीं है, कोई रस्सी लगाने के ज़रूरत भी नहीं है, बस आसानी से दो साइड सिलाई कर लीजिए। मुझे तो ये बहुत इजी प्रोसेस लगता है। सिलाई हो गया दोनों साइड, अभी मैं इसको सीधा कर ले रही हूँ। तैयार हो गया एक कुशन कवर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, डिज़ाइन भी अच्छा है और फ्रॉक का भी रीयूज हो गया। तो दोनों बच्चों का दो फ्रॉक के हिसाब से मुझे चार कुशन कवर मिला है। अभी तो पास होने से अच्छा था, लेकिन चार हो गया, कोई बात नहीं, चार से मैं काम चला लूँगी। कुशन को डाल दिया है इसके अंदर पे और ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए फिटिंग्स भी अच्छा आया है। और अभी मैंने एक पुराना फ्रेम लिया है, फ्रेम को खोल लिया है। और फ्रॉक जो है, फ्रॉक का ऊपर का हिस्सा जो था उसको भी काट लिया है और इस फ्रेम के मेजरमेंट से काट लिया है और इसका ऊपर बैठा दिया है। और फ्रेम को अभी मैं फिटिंग कर लिया है। ये देखिए ऐसे करके बैठा देने से हो जाता है। इसका साइड में जो छोटा छोटा क्लिप होता है, बस इसको प्रेशर देने से बस ये लग जाता है। थोड़ा चेंज होने से अच्छा लगता है। फ्रेम का जो अंदर में फोटो है वो काफ़ी दिन का है, तो इसके लिए मैं सोच ही रही थी कुछ लगाऊं कुछ लगाऊं, तो ये मुझे मिल गया है आइडिया। और इसको और ज़्यादा थोड़ा फिटिंग्स होने के लिए मैंने सेलो टेप भी लगा दिया है, बड़ा वाला सेलो टेप लिया है और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो गया। और देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
अभी कर्टन को भी चेंज कर लूँगी। वॉल के कलर के हिसाब से मैंने कर्टन लगा लिया है। अभी देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि वॉल के कलर के साथ ये पूरा मैच आ रहा है। ये देखिए, फिर मैंने फ्लोर सीटिंग का अरेंजमेंट कर लिया है। और कुशन को सजा दिया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी कुशन में मैंने पॉम्पॉम भी लगा दिया है ऊन से बनाकर, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये इस साइड में एक छोटा सा टेबल रख के ऊपर में ये फ्रेम रख दिया है। और अब देखिए इस कॉर्नर को हो गया ना मैजिक, काफ़ी सुंदर लग रहा है। आप लोगों को कैसा लगा? शायद अच्छा ही लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और कमेंट करना, और बहुत बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए।